Finally, yo must color. Kaku? Yeah. Yes, see. Yeah. Video on the Valasin. Say in Hoyola, Jamela complete bro. Oh, color to say, Jacob. Darun, darun. Hey, you know the video on it. To friends, they expect to yee a guardy, okay? Both say color. Yar. It a VXI smart hybrid. VXI only, it's a smart hybrid. Only VXI, na? तो इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, एकदम न्यू कार. वाह, और क्या चाहिए. इधर फ्रेंड्स ब्लोअर भी है और चार्जिंग सॉकेट भी है और इधर फ़ोन होल्डर भी है. ओके, देख सकते हो ये है कुछ इसका सीट कवर्स एंड अभी पन्नी भी फाड़ा भी नहीं है. ठीक है, तो इधर VXI है इसीलिए पावर विंडो भी है एंड ये है इसका ड्राइविंग सीट. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. तो इसमें फ्रेंड्स इधर जो है पावर विंडोज़, इलेक्ट्रॉनिक मिरर कंट्रोल, सब कुछ. एंड चलिए स्टीयरिंग में फ्रेंड्स एयरबैग, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ. इधर फ़ोन कंट्रोल एंड इधर मैनुअल गियर ड्राइव, हैंड ब्रेक. इधर थोड़ा बहुत स्पेस है, इधर कुछ रखने के लिए जगह आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. चलिए एक बार लाइट भी ऑन कर लेता हूँ जिससे ईजीली आपको दिख जाए. ये चार्जिंग सॉकेट, USB ऑक्स केबल इधर देख सकते हो एंड ये है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट. ओके, इधर है फ्रेंड्स AC कंट्रोल्स एंड ये ब्लोअर का लाइन ऐसे दिया है क्या, सही है क्या अंकल? ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग यूट्यूब में. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फ्रेंड्स स्टीयरिंग में देख सकते हो एयरबैग है एंड इधर फ़ोन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल नहीं है. ठीक है, ये VXI है ना ओनली, स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है. VXI स्मार्ट हाइब्रिड होता है ना, VXI प्लस स्मार्ट हाइब्रिड आपका है इसमें है, स्मार्ट हाइब्रिड है. अच्छा, VXI स्मार्ट हाइब्रिड ना. ओके ओके ओके, ठीक है वही. नहीं, नॉर्मल VXI और स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर प्राइस का डिफरेंस है ना. अभी सब स्मार्ट हाइब्रिड. ओके ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, ये भी स्मार्ट हाइब्रिड है. एंड इधर स्टीयरिंग में आप देख सकते हो ये सब कुछ. इधर में मतलब वाइपर कंट्रोल्स एंड इस साइड में है लाइटिंग कंट्रोल्स. ओके, देख सकते हो लाइटिंग कंट्रोल्स. तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल. एक्चुअली हेलमेट में ही कैमरा माउंटेड है इसीलिए मैं वीडियो मतलब बाद में बनाऊंगा. ठीक है, हाथ में लेके. तो ये RPM मीटर आप देख सकते हो, पेट्रोल इंजन. एंड चलिए एक बार बंद करके चालू करता हूँ. तो ये है कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 220 तक स्पीड दिया हुआ है. स्टीयरिंग बंद है. इधर आपको एयरबैग का ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा. ओके, जो जो है. एंड इधर AC ब्लोअर, ये स्पेस आप देख सकते हो. रिमोट भी है. एंड फ्रेंड्स इधर ही आपका साउंड सिस्टम भी कंपनी फिटेड इंस्टॉल्ड है, AC भी है. चलिए एक बार गाड़ी को बाद में स्टार्ट करता हूँ. एंड इधर वुडन फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो, बहुत ही सही लग रहा है. ओके, गाड़ी को एक बार खाली चालू करेंगे. देख सकते हो मतलब टच किया चालू हो गया. ठीक है, पुश बटन जैसा, बहुत सही है. कोई भी साउंड नहीं, कोई भी साउंड नहीं. कि काकू साउंड है कोनो मैंने बटर ही स्मूथ. आमी से दिन सोइलेस के अमर गाड़ी चलाते दिए जो बोलचे की इंजीनियर भाई कोनो माखन है वो. तो सोइलेस कोता है. अच्छा, तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल. अभी पेट्रोल भी कम है इसीलिए गाड़ी को बंद कर देंगे. आप लोगों को इंजन भी दिखा देंगे. एंड स्टीयरिंग फ्रेंड्स मतलब उंगली से भी इजीली काट सकते हो. न्यू गाड़ी है तो सोच ही सकते हो कितना बटरी स्मूथ है. ओके, तो चलिए गाड़ी को बंद कर देता हूँ, इंजन भी आपको दिखा दूंगा. एंड ये जो है मिरर्स का व्यू मतलब बहुत सही है. एंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो मैं आपको दिखा दिया हूँ. साउंड सिस्टम अभी शायद ये टच कंट्रोल है. ऑक्स केबल है तो इसीलिए गाना भी बजा सकते हो. मैं गाना कैसे बजाऊं, अभी गाना नहीं बजा सकता, बाद में बजाएंगे.
तो चलिए पहले मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो इंजन देखने के लिए इधर से देखना पड़ेगा। चलिए, कलर फ्रेंड्स बहुत सही है, मेरे पास भी जो गाड़ी है वो भी सेम कलर में ही है, लेकिन अभी का जो कलर है, मतलब मेरा गाड़ी का कलर ऐसा है, ठीक है, ये कलर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेटालिक ना, मेटालिक ग्रे। तो ये है न्यू इंजन, ओके, VXI विथ स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, देख सकते हो ऐसा ही है कुछ, ठीक है। बैटरी लगा हुआ है, नीचे है ट्रांसमिशन सिस्टम, इधर पूरा ECU कंट्रोल्स वगैरह है, एंड ये है इंजन, प्रीमियम सिल्वर ना कलर का नाम, प्रीमियम सिल्वर, ठीक है। अच्छा, बाकी सब ऐसा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का डिलीवरी के साथ साथ ये गिफ्ट मिला है, ठीक है, अंदर खोल के देखेंगे अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या है। बैग तो बहुत ही कलरफुल है, सो लेट्स आ जाओ, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे एंड देखेंगे अंदर क्या क्या है, बहुत कुछ दिया है, ठीक है, गिफ्ट। चल भाई, इसको ओपन कर, क्या क्या है दिखा दे एक एक करके। तो ये कॉटन टॉवल, ठीक है, ये शैम्पू, ठीक है, और इसके साथ हल्दीराम, या सही है। और तो फ्रेंड्स, ये है इसका पीछे का बूट स्पेस, देख सकते हो बहुत सारा जगह है, एंड इसका जो स्टेपनी वाला टायर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सब अपोलो का ही टायर्स है, एंड जैक इधर है, देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू स्टेपनी, अनयूज्ड। एंड ये है वार्निंग ट्रायंगल, एंड बहुत सारा बूट स्पेस है, मैं लिख दूंगा बाद में, एंड ये इधर लाइट भी है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बूट स्पेस काफ़ी है, देख सकते हो आप, एंड पीछे पार्किंग सेंसर है, एंड इधर आपको एक टेल लाइट भी मिल जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग पूरा देखे हो तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग को डिटेल में पता चले कि कितना क्या EMI आया था एंड कैसे क्या फाइनेंस प्रोसेस हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे, एंड थैंक्स इतना दूर तक देखने के लिए, अगर स्किप भी किए होंगे तो आप लोग मिस कर चुके हो बहुत सारा, तो अगर लास्ट में देखने आया हो फिर भी आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। देखिए, छोटू जो है, मतलब सोइलेस, वो जो फाइनेंस किया था, मैं मोबाइल में ऑलरेडी लिख के रखा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। देखिए, गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है अभी, मतलब जनवरी से ऑलरेडी प्राइस 2% करके दाम बढ़ जाएगा, तो अभी गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 8,10,000, ओके, एंड उसके ऊपर ही जो DP है सब कुछ मैं बोलता हूँ आप लोगों को। तो DP जो किया था, मतलब पहले जो फाइनेंस किया था छोटू, वो किया था, मतलब अंकल ने वो किया था, वो यूनियन बैंक ऑफ फाइनेंस से, ठीक है, बैंक से डायरेक्ट फाइनेंस किया था फर्स्ट, मतलब अगर आप न्यू गाड़ी खरीदते हो तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट लगता है, आई थिंक 7% के आसपास। तो देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, DP मतलब डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, मतलब वो जो किया था वो है 4,00,000 का, ओके, एंड उसके साथ EMI आ रहा है 6,142 रुपीज़, मतलब 6,142 रुपीज़ EMI आ रहा है 7 years के लिए, तो 7 × 12 मतलब 84 months के लिए 6,142 करके देगा छोटू, एंड DP किया था 4,00,000। तो प्राइस जो मतलब जो अमाउंट फुल्ली आपको पे करना पड़ेगा, देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करते हो 84 के साथ 6,142 तो होता है 5,15,928 रुपीज़ प्लस 4,00,000, देख सकते हो 9,15,928 रुपीज़ आपको टोटल पे करना पड़ेगा 7 years में, एंड जो गाड़ी का न्यू वैल्यू है उसके साथ कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो मैं आपको बोल देता हूँ, 8,10,000, तो देख सकते हो 1,05,900, मतलब जस्ट 1,10,000 पकड़ लीजिए सब कुछ लगा के। तो ये जो कंडीशन का गाड़ी छोटू डिलीवरी लिया है वो 1,00,000 रुपीज़ ज़्यादा देगा 7 years के लिए, तो कितना कम इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, ओके, एंड अभी पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो, घर के सामने ही जस्ट बैल्कनी में वीडियो बना रहा हूँ, एंड पेंटिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है, ऐसा है कुछ सीनरियो, पूरा गंदा है घर, उसको अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोज़ वगैरह आएगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया वीडियो का, एंड आप लोग शेयर किए, लाइक किए, पसंद किए, तो न्यू जो कार्स का डिलीवरी होता है एंड न्यू कार्स के ऊपर भी व्लॉग्स वगैरह आता रहेगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बाय बाय।